लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार योगी जी की आएगी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में सरकार तो बीजेपी की आएगी जी। बीजेपी की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। ऐसा क्यों लगता है लेकिन आपको? अरे ऐसे इसलिए लगता है कि लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी का पूरे ऑल वर्ल्ड में नाम है जी। हाँ, तो इसीलिए सरकार मोदी जी की ही आएगी लोकसभा चुनाव में। जैसे हर बार से अभी तो चलता आ रहा है कि बीजेपी बीजेपी, तो इस बार भी बीजेपी ही आएगी जी। आपको क्या क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से जिस तरीके से अभी चलता आ रहा है, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले इलेक्शन का मुद्दा हुआ करता था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर भी बन गया। आप देखते हैं नेक्स्ट टाइम अब कौन सा ऐसा हमारी जो सरकार है ऐसा क्या ऐसा कोई मुद्दा लेके आती है जो हम लोग मिडिल क्लास वालों को कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि अभी तक इनका जो भी एक्शन रहा है ये हाई क्लास लोग के लिए ही रहा है। अच्छा। हम मिडिल क्लास वाले अभी दबते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है देश आगे बढ़ रहा है लेकिन हम मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ा सा दब रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो रोडवेज का काम है इसमें अथॉरिटीज हमें थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं कि हमारा सामान उठा के लेके चले जाते हैं लोग जी जी जी, और भी बहुत सी परेशानी फेसेस करनी पड़ती हैं रोड पे रह के। हम यही चाहेंगे कि हमारा को इस तरीके से परेशान ना किया जाए। सरकार तो बीजेपी ही आएगी जी, थोड़ा सा परेशानी या फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा वो तो हर सरकार में है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस। तो देखो जैसे कई चीज़ें जो है ना, बहुत सी अभी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब ये तो पार्टियां कई हैं जो थोड़ा सा विरोध करती हैं, जैसे आज मोदी हैं, मान लो बाहर की कंट्रियों में थोड़ा और आपकी भारत की बढ़ेगी, आप जैसे पढ़े लिखे बाहर जाएंगे जी तो सब चीज़ के यहाँ पर बनेगा जी, और यहाँ पर भी बहुत कुछ करने की उम्मीद है। कई जैसे बड़ी बड़ी मंडल कंपनियाँ जी, और बहुत कुछ अपने आप को हुनर है तो आप अपना स्टैंड करिए और आगे बढ़िए, तो वो चीज़ें पहले ऐसी नहीं थी। मोदी जी का कहना है कि आपके अंदर हुनर है, आप ना कोई भी चीज़ बनाइए और उसको आगे निकलिए और आप सपोर्ट करते हैं जी, तो इससे बढ़िया और सब ठीक है अपने हिसाब से। मैं तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ 10 साल के अंदर जी हमारे तो बहुत सब कुछ ठीक लग रहा है। तो मतलब 2024 में बिल्कुल बिल्कुल ओके, मोदी जी जिंदाबाद। यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? यहाँ हो गया 18 साल। 18 सालों से इस अट्टा मार्केट में। सर क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार आएगी? पार्टी तो बीजेपी का ही है। अच्छा, बीजेपी का। तो आपको क्या क्या उम्मीदें हैं आने वाली पार्टी से? उम्मीद कोई नहीं। उम्मीद कोई नहीं है, कोई तो उम्मीद होगी आपको? पहले भी उम्मीद करके देखा जी, वैसे ही आप देख लेंगे। पहले भी उम्मीद यही था कि महंगाई कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया। पार्टी जो अभी चल रही है ना जी, मेरे हिसाब से तो वही सरकार ठीक है और इसी को आना चाहिए जी। आपको क्या क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से जैसे भी चल रहा है, जो भी काम हो रहा है विकास का, वो ठीक है जी, धरातल पर है, वो दिख रहा है। जैसे कि ये मार्केट है वो यूपी में है, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार अच्छी है, सपा बीजेपी कांग्रेस कौन सी? नहीं जैसे अगर पर्सनल हमारे हिसाब से मेरे लिए पूछ रहे हैं जी, तो हमारे हिसाब से तो कोई भी सरकार सही नहीं है, कोई भी सरकार जी। हाँ, क्योंकि जिसके 22 साल से मैं हूँ, जिस किसी का भी सरकार रहा, सपा का रहा बसपा का रहा जी, तो हमें उत्पीड़न तो झेलना ही पड़ता है जी, सड़क पे फुटपाथ पे जी। हमारा कोई मतलब सही मतलब ठिकाना जीविका के लिए सही कोई मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब भाई ये रेरी ठेली फुटपाथ वाले जो हैं, इनको सही तरीका से एक जगह वेंडर जोन बना करके दिया जाए, वहाँ इनको सुनिश्चित किया जाए, वो चीज़ नहीं हुआ है। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए भी और समाज के लिए भी जी। हाँ, वही उन्हीं को आना भी चाहिए। आपको क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से, जो भी सरकार आएगी? सरकार से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में भी जी। हाँ, कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज़ अच्छी है उनकी, और समाज में अच्छे लोग रह रहे हैं, कोई कहीं दंगा फसाद नहीं है जी। और कोई कुछ कोई गड़बड़ी नहीं है जी। चोर बदमाश उचक्के नहीं हैं, गुंडे ही खत्म है, ये सब चीजें हैं। हम कह तो नहीं सकते कौन सी पार्टी आने वाली है, लेकिन फिर भी यही है चांस जहाँ तक है बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के चाहने वाले बहुत हैं और इस टाइम मार्केट की कंडीशन दिन पे दिन बदतर होती जा रही है जी। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग बीजेपी को क्यों लाइक कर रहे हैं जी। और ज्यादातर ये बाकी तो लोग यही कह रहे हैं बीजेपी अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है सर, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा, दिन पे दिन तो बिजनेस तो डूबता जा रहा है जी। और मेरे हिसाब से जो सरकार चल रही है वो बिजनेस में ही कामयाब है जी। अगर बिजनेस खत्म है तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार भी धीरे धीरे डाउन ही हो जाएगी। यूपी के लिए तो मैं जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरे ख्याल से मायावती जो है
सबसे बेस्ट रही हैं जी। बस उनकी थोड़ी सी ये गलती रही जो उन्होंने ये हाथी वाले जो पार्क बना दिया ना जी, इस वजह से ये वो मार खा गई। विपक्ष पार्टी ने इस चीज़ का फायदा उठा दिया जी। और इस चीज़ से उनको दबा दिया। बीजेपी के टाइम में तो मैं यही देख रहा हूँ कि जो काम आपका 100 रुपये में होता था जी, वो अब 200 रुपये में हो रहा है जी। वो सब लिया जा रहा है, सब दिया जा रहा है। हमें तो ये समझ में नहीं आता, लोग बीजेपी सरकार ये कहती है कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है जी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो कांग्रेस के मेंबर टूट टूट के जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जी, तो क्या वो दूध के धुले हो गए? बीजेपी ही बोलूंगी क्योंकि सपा तो पहले भी रह चुकी है लेकिन कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा था, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। जैसे हम लाइक पहले सेक्टर 49 में रहते थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोड्स और कंस्ट्रक्शंस हुआ है जो कि पहले नहीं था। लाइक सपा बहुत बार रह चुकी है तो उस टाइम तक नहीं था, बीजेपी के आने के बाद तो हुआ है। लाइक डस्टबिन भी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे नहीं थे पहले कभी डस्टबिन और ये सब, तो वो वहाँ पे आए और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी हुआ है, तो बीजेपी ही ज़्यादा बेटर है। यूपी में लड़कियाँ कितनी सेफ हैं, क्या कहेंगे इसमें आप? सेफ तो लाइक सिर्फ यूपी नहीं, कहीं पे भी नहीं है जी। वो थोड़ा और होना चाहिए, लाइक रात को ज़्यादा पुलिस भी होनी चाहिए रोड्स पे और ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास और स्ट्रीट लाइट ज़्यादा होनी चाहिए कि अंधेरे में ना चलना पड़े, उन्हें सेफ फील हो कि हाँ यहाँ पे लाइट्स है, और मतलब ज़्यादा जल्दी हेल्प पहुँच सके उन तक अगर लाइक उनको चाहिए हो तो।